बहुत ही भीड़ यहाँ पे नजर आ रहा है, देख सकते हैं एकदम। ओ भाई गजब का, देखो ये पावर है। ये देखिए इधर आप लोग, किस प्रकार का जो है कांवर है, और काफी बड़ा कांवर है, 54 फीट का कांवर है, और किस प्रकार दौड़ते हुए सारे बच्चे, किस प्रकार जो है कांवर लेकर के 54 फीट का कांवर है और पूरा बाबा धाम तक चलेंगे। और दोस्तों अभी हम लोग हैं पटनिया धर्मशाला से थोड़ा आगे आए हैं, और यहाँ पे काफी सारे बम जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं एक साथ जो है काफी झुंड आ रहे हैं आज। और जानते हैं ये लोग कहाँ से हैं, कहाँ से हैं बम जी आप लोग? अरे तारापुर से हैं। तो जो है अभी आप लोग बहुत झुंड में चल रहे हैं, जो है कुछ कांवर बड़ा लेकर आ रहे हैं क्या? हाँ, 54 फीट का, 54 फीट का कांवर। कितने लोग उसमें साथ में होंगे? लगभग 600-700 आदमी है। 600-700 लोग? अच्छा अभी चल रहे हैं आप लोग, सावन में नहीं आते क्या इस तरह? और परमिशन नहीं मिल रहा था ना। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा कांवर इसीलिए। हाँ, तो जो है अभी कहाँ तक आए हैं वो कांवर? बस 1.5 किलोमीटर आगे पीछे है ना, मतलब गोड़ियारी नदी क्रॉस कर लिया होगा। हाँ। अच्छा, तो जो है कितना दिन लगा यहाँ तक आने में? यहाँ तक 3 दिन। 3 दिन, चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और काफ़ी सारे छोटू बम भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये सावन का याद एकदम जो है अभी दिला रहे हैं, देख सकते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है यहाँ पे माहौल एकदम देखने को मिल जाए। वो इतना बड़ा कांवर कहाँ पे रखा जाता है बाबा? ए बाबा, ये तो एक बार तो गए थे, ये 108 फीट का कांवर था। अच्छा। अभी तो 54 फीट का कांवर है। हम लोग गनेली पंचायत से, सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से बाबा बोसकी धाम तक हम लोग जा रहे हैं, पैदल यात्रा है। अभी कांवर हम लोग के पास है। काफी दिक्कत होता है बाबा? नहीं नहीं, बाबा के दरबार में कोई कमी नहीं है, सब चीज मिलते रहता है, कमी नहीं, बहुत आनंद आता है। और यहाँ से जो है गोड़ियारी नदी का मात्र 2 किलोमीटर और बच गया है, जो कि हम लोग अभी जा ही रहे हैं गोड़ियारी नदी तरफ, और देखते हैं वो जो है 54 फीट का कांवर जो है कहाँ पे मिलेगा देखने को हम लोग को, और आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए बहुत सारा जो है कांवर लेकर के भी जो है चल रहा है अभी, तो बहुत तरह का जो है अभी यात्रा हो रहा है, और सावन में इसी तरह आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो पूरा कांवरिया पथ पे आज देख सकते हैं बहुत भीड़ भी आ रहा है भक्तों का। और इधर देख लीजिए जो है यहाँ पे शौचालय वगैरह भी बनाया जा रहा है, जो कि दुकान वगैरह भी लगेगा, और बहुत तरह का जो है सेवा इस बार मिलने वाला है। इधर देखिए मिट्टी भी डाला गया है, ताकि ऊंचाइयों पे किया गया है दुकान लगाने के लिए। और पिछले बार हम लोग इस जगह से क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है बिजली का खंभा गिर गया था। चलिए आज देखते हैं उसको जो है सही किया गया है या फिर नहीं किया गया, क्योंकि बिहार में ये सारा चीज़ जो है थोड़ा लेट से ही किया जा रहा है, क्योंकि इस बार झारखंड कहीं ना कहीं सबसे आगे चल रहा है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा कि जो है वहाँ पे बालू भी गिराया गया था, और इधर जो है अभी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन होना चाहिए सबसे पहले इधर ही, क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबा डिस्टेंस ये जो है बिहार में पड़ जाता है आपका। और ये देखिए दोनों तरफ दुकान जो है अभी तक इधर किसी भी तरह का मरम्मत नहीं हुआ है, और ना ही इधर कांवरिया पथ का काम शुरू हुआ है, तो देखिए कब तक होता है। और देखिए बम लोग जो है बहुत ज़्यादा कांवर लेकर के चल रहे हैं, हर हर महादेव। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं, देखिए काफ़ी सारे बम भी यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी जो है भीड़ आपको दिख रहा है आज के दिन में। सारे जो है पूरे तारापुर से भक्त आ रहे हैं, और ये लोग जो है पिछले साल इससे भी बड़ा कांवर लेकर के आए थे, तो बहुत तरह का जो है इस बार विश्व कल्याण के लिए जो है लोग यहाँ पर अपना अपना सनातन धर्म के लिए जो है कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। आपको दिखाते हैं, अभी देख लीजिए इधर जो है काफ़ी सारा ऑटो से भी लेकर आए हैं, और ये देखिए कितना भीड़ जो है लग गया है। और ये आनंद धाम आश्रम में जो है भक्त अभी रुके हुए हैं, और ये देख लीजिए आप लोग आनंद धाम का ये बाहर का दृश्य, यहाँ पे पानी वगैरह भी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। और ये देखिए पूरा डीजे साउंड सिस्टम लेकर के जो है आ रहा है अभी, और ये देखिए किस प्रकार जो है एकदम पूरा कांवर लेकर के आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है देख करके। देखिए आप लोग किस तरह एकदम झूमते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही भीड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, देख सकते हैं एकदम। ओ भाई गजब का, देखो ये पावर है। ये देखिए इधर आप लोग, किस प्रकार का जो है कांवर है, और काफ़ी बड़ा कांवर है, 54 फीट का कांवर है, और किस प्रकार दौड़ते हुए सारे भक्त जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, एकदम सावन का जो है एकदम यहाँ पे यादगार दिला रहा है, देख सकते हैं आप लोग एकदम बहुत तरह का एकदम भीड़ यहाँ पे है। और ये देखिए किस प्रकार जो है कांवर लेकर के 54 फीट का कांवर है, और पूरा बाबा धाम तक चलेंगे, और देखिए कितना जो है झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 दिन में जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसी कांवर का इंतजार था, तो हम लोगों ने पूरा देख लिया है। और ये देखिए किस तरह का जो है कांवर है, और बोलबम भी लिखा हुआ है ये देखिए पूरा, और ये लोग के साथ काफ़ी सहयोगी हैं, तो देख सकते हैं किस तरह का भीड़ बना हुआ है, और पूरा कांवरिया पथ पे, और यहाँ पे जो है विश्राम भी करेंगे, ये देख लीजिए आप लोग, शायद ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह का भीड़ है, और किस तरह जो है सभी लोग फोटोग्राफ भी यादगार के लिए क्लिक करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कांवर रखने का स्टैंड जो है कुछ ऐसा है,
जो है अपने स्टैंड पे लोग अपना खड़ा करते हैं और काफ़ी बड़ा कांवर है। ये देख लीजिए आप लोग जो है यहाँ पे थक जाने के बाद जगह जगह पे विश्राम भी कर रहे हैं और देखिए कांवरियों का भीड़ देखिए भाई साहब ये गजब ही जुलूस एकदम चला हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग बहुत मज़ा आ रहा है और लोग जो है डांस भी कर रहे हैं, श्रद्धालु डांस कर रहे हैं ये देख सकते हैं आप लोग। और ये स्टैंड कुछ ऐसा है देख सकते हैं सारे भक्त यहाँ पे डांस कर रहे हैं और नज़र आ रहे हैं। और इधर भी जो है काफ़ी सारे पीछे में बम रह गए हैं जो कि अभी पूरा गाड़ियाँ से भी आ रहे हैं। और ये देखिए सारा यहाँ पे सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है पानी का हो या फिर कुछ हो। इधर देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त अभी आ रहे हैं और यहाँ पे जो है साउंड सिस्टम भी लेकर के आए हैं ताकि इन लोग को जो है थकान का एहसास ना हो। और देखिए इधर बम है, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मुंगेर जिला से हैं, कुछ बांका जिला से भी शामिल है यहाँ। अच्छा। तारापुर से भी है? हाँ तारापुर से भी हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 54 फीट पांव पैदल कांवर यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है और ये विश्व कल्याण हेतु हम लोगों के द्वारा निकाला जाता है। अच्छा। जो कितना फीट का कांवर है ये? अभी 54 फीट है, इसे पर साल 108 फीट था। चूँकि गर्मी ज़्यादा है इस वजह से इस बार 54 ही रखे। हाँ अच्छा, जो है कितने लोग होंगे आप लोग यहाँ? लगभग 600 से करीब, 600 से 800 के करीब हैं जो हमारे सहयोगी हैं और हमारे साथ। कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? 6 साल से लगभग। हाँ 6 साल से हम लोग निकाल रहे हैं। जो है यहाँ पे बाबा धाम पहुँचने के बाद इतना बड़ा कांवर लेकर के जो आ रहे हैं, क्या कुछ मन्नत है बाबा? मन्नत हम लोग विश्व कल्याण के लिए आए हुए हैं और इसमें कोई मन्नत नहीं है। अच्छा। खुशी खुशी से हम लोग। अच्छा, जो है कितने सालों से जो आप लोग इतना बड़ा कांवर लेकर आते हैं? ये हमारा 6ठा साल है। अच्छा। हाँ। जो है इस बार कितना फीट का जो है कांवर है आप लोग? ये 54 फीट कांवर है। अच्छा, पिछले साल कहा जा रहा है इससे भी बड़ा था? पिछले साल 108 फीट का था लेकिन धूप के वजह से थोड़ा कम करना पड़ा हम लोग। कैसे आप लोग हैंडल कर लेते थे गर्मी में जो है पैदल चलना? और अभी जो वो तो बाबा भोलेनाथ की ही असीम अनुकंपा है जो कि हम लोग चल लेते हैं। अच्छा, जो है एक साथ अभी आप लोग कितने लोग होंगे अभी? 600 के लमसम में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? इसमें बांका, मुंगेर, जमुई सब जिला का है इसमें। 8 जिले के हैं। अच्छा, अभी जो है आप लोग सुल्तानगंज से चले हैं तो बाबा धाम जो है लगभग पहुँचने वाले हैं और कितना दिन लगे यहाँ तक बोले थे? यहाँ आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है तो बासुकीनाथ भी जाने का प्लानिंग है क्या? देवघर से हम लोग जल चढ़ा के बासुकीनाथ दरबार तक चलते हैं हम लोग। तो ये जो है कांवर मंदिर के प्रांगण में चलेगा अभी? हाँ, पूरा दोनों मंदिर का प्रांगण में इसको तिरपेखन देते हैं। अच्छा। हाँ, जो है कितने साल से परंपरा आप लोग का है? 6 साल का है। अच्छा, अभी जो है खाने पीने का आप लोग कहाँ पे होता है, किस तरह? अभी ठनठनिया धर्मशाला में हम लोग का भंडारा बन रहा है वहाँ पे। अच्छा, पीछे सुगासार डंडी आश्रम में बना। अच्छा, जो है आप लोग जो है सब साथ में है, देख सकते कितना भीड़ लगा हुआ है और ये सावन जैसा जो है यहाँ पे याद दिला रहा। और जो है थकान जब महसूस होता है तो एक बार जो है ठुमका लगा लेते। इधर जो है डीजे भी साथ में लेकर के आए हैं, एक बार घुमा दो दिखा। तो देख सकते हैं पूरा साउंड सिस्टम जो है लेकर के आए हैं और काफी जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो है विश्व कल्याण हेतु जो है यहाँ पे हिंदू सनातन में जो है ताकत और जज्बा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी एकदम उत्साह नजर है। कहाँ से हो? जनकपुर से। अच्छा, कितना एकदम खुशी लग रहा है एकदम? बहुत खुशी लगता है, पीते हैं बम और मजा आ जाता है। ये देखिए काफी सारे जो है बहुत मजा आता है। बाबा गुडी पिए और चार महादेव देख सकते हैं और चिंता लगाते सभी लोग। तो ये पावर है हिंदू में और ऐसे ही जो है सावन के पावन महीना में जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं का जन सैलाब रहता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव। ये देखिए बाबा का जड़ी बूटी जो है किस प्रकार भक्त यहाँ पे ग्रहण करते हैं और ये सावन में कहीं ना कहीं बहुत ही जो है इसका विचलित रहता है और बहुत ही प्रसिद्ध रहता है बाबा का जड़ी बूटी। और ये जो है एक चिलम में बोलता कहा जाता है कि 4 चिलम में 4 धाम और 1 चिलम में बाबा धाम। इसी प्रकार जो है लोग जब थक जाते हैं कांवरिया जो है यहाँ पे एक चिलम मार लेते हैं और कहीं ना कहीं बाबा की ओर एकदम खींच कर ले जाते हैं। ये देखिए पावर गांजा का।